स्कूल हो या कॉलेज, कल तक स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगी होती थी। अब ऐसा दौर आ गया है कि इन स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के बिना किसी की पढ़ाई की कल्पना नहीं की जा सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना ने काम और पढ़ाई का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। स्कूल और कॉलेज में टीचर डिजिटल हो गए हैं। सभी तरह के क्लासेज ऑनलाइन चल रहे हैं। स्टूडेंट्स घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से अपने टीचर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के ये डिजिटल क्लासेस किस तरह के चेंजेस लाए हैं और इसका क्या असर हुआ है, कुछ लोगों से बात कर हमने यही जानने की कोशिश की। चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन छोटे बच्चों से जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। मुझे ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टीचर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं, वरना पहले वाले क्लास में डाउट ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं क्लियर हो पाता था। और फिर ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग अपने दोस्त से बात कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बस टीचर और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। और जब कोई टीचर ऑफलाइन क्लासेस में पनिशमेंट देता है तो वो हर एक स्टूडेंट को करना ही पड़ता है, अदरवाइज देर पेरेंट्स को बुलाते हैं। पर ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है, अगर स्टूडेंट चाहे तो करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि टीचर्स अगले दिन वो चीज़ भूल ही जाते हैं। क्लासेस में मैम जो देती है कभी कभार साउंड नहीं आता है तो कभी कभार नेटवर्क इश्यू होता है, और ऑफलाइन क्लासेस में मैम जो बताती थी वो होता था और फिर मैम फिर उसी चीज़ को बोर्ड पर करवाती थी और अच्छे से समझ में भी आता था। और तो और अभी हम अपने अपने फ्रेंड्स को ही बहुत मिस कर रहे हैं, और जैसे स्कूल में हम लोग बदमाशियाँ कर सकते थे एक साथ, अभी वो नहीं कर सकते, हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाता है। पर ऑफलाइन क्लास में जब टीचर समझाती थी तो हमें समझ में जल्दी आता था। ऑनलाइन क्लास में हमें डाउट्स जल्दी पूछने का नहीं मिलता है मौका, पर ऑफलाइन क्लास में हम अपने डाउट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर पाते थे। पहले स्कूल कॉलेज में नॉर्मल क्लास होते थे, पूरा स्कूल एक साथ रोज़ असेंबली में शामिल होता था। क्लास में एक साथ 40 से 50 स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ मस्ती भी करते थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि सभी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं। इस बीच स्कूल के टीचर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय होने के चलते हमारे पास विद्यार्थी रांची के क्षेत्र के तो थे ही, लेकिन बहुत सारे जैसे बिहार के जैसे सासाराम की एक लड़की है, फिर उसके बाद आपके लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, इस तरह के, क्योंकि बंद होने के बाद जो बच्चे हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे थे वो भी अपने घर लौट गए थे, तो उनके लिए भी था कि भाई कैसे हम इन चीज़ों को जुड़ें। तो बच्चे न सिर्फ रांची के बल्कि आउटस्कर्ट्स ऑफ रांची और दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर आए जिसको यूट्यूब मेरा चैनल डॉक्टर विनय भरत के नाम से मैंने शुरू। अभी तक आपने जाना स्टूडेंट्स और टीचर की बातें, वही बच्चों के पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर अपने अलग विचार रखते हैं। कई पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आदत और सेहत दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन ऐसा मजबूरी आ गया है कि सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बच्चे जब भी उन लोगों का क्लास का टाइम होता है तब वो लोग मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। उन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसमें यह है कि उन लोगों का आई जो आँख होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। मोबाइल के सामने बैठे रहना, उसे बार बार देखते रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, और साथ ही ऐसे में ज़्यादा बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने पा रहे हैं। देखिए, आप कितना भी अगर ऑफलाइन में जाकर कहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ सामने हमारे टीचर होते हैं जो शिक्षक होते हैं, तो वो सामने से हमें पढ़ाते हैं तो सामने हम लोग का घुसता है। ऑनलाइन में वही हो गया, एक फी का बहाना हो गया और कुछ नहीं, और दिमाग पे भी असर पड़ता है। कितना बच्चा लोग अपना मोबाइल देखे, ये सब सही नहीं लगता है जहाँ भी है। कोरोना के इस दौर ने सबकी लाइफस्टाइल बदल कर रख दी है, रियल लाइफ वर्चुअल हो गई है। ऑफिस का काम हो या बच्चों की पढ़ाई, लैपटॉप या कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। जब तक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं मिल जाता है, तमाम सावधानी के साथ सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस और कामकाज जारी रखना ज़रूरी समझ रहे हैं।